हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव इसी म्यूजिकल योर्स यानी कि 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम रेनबो रिवाइंड, जहाँ पर आपको पता है कि ओल्ड गोल्डन सॉन्ग्स होते हैं, क्लासिक सॉन्ग्स होते हैं, मेलोडियस म्यूजिक होता है और बात करते हैं हम हर बार अलहदा एक शख्सियत की। इस बार फिर से अपने रत्नों की झोली में से एक और रत्न को आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। मैं ज़रूर उनके बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताऊँगा, उनकी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को हम लोग छुएंगे और वो बातें भी जानेंगे जो शायद अब तक आपको नहीं पता थी। लेकिन पहले पेश करता हूँ आप लोगों के सामने एक गीत और उसके बाद बताऊंगा आपको कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। तब तक गैस करिए इस गाने से, हम कहाँ और तुम कहाँ, मूवी है शहीद। मैं आज आपसे जिनके बारे में बात करने वाला हूं, जो कि एक अलहदा शख्सियत रही हैं, कमाल की अदाकारा रही हैं, कलाकार रही हैं, एक्ट्रेस रही हैं, इनका नाम है कामिनी कौशल। अगर उनकी शुरुआती ज़िंदगी की बात करें और पृष्ठभूमि की, तो कामिनी कौशल का जन्म 16 जनवरी 1927 को लाहौर पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। उनका वास्तव के नाम उमा कश्यप था। वो एक शिक्षित परिवार से थीं। उनके पिता शिवराम कश्यप बॉटनी के प्रोफेसर थे, उनकी माँ भी शिक्षित थी। उनके परिवार का साहित्य और कला में गहरा रुझान था, जिसने कामिनी के बचपन से ही कला और अभिनय के प्रति उसके लगाव को प्रोत्साहित किया, उनके अंदर उस लगन को जगजाहिर कर दिया और उस स्ट्रीम में, उस कला के क्षेत्र में जाने के लिए उनको उत्सुक किया। पेश करता हूं अब एक और गीत, तोड़ी तोड़ी बचेरे। छोटी छोटी बच्चे छोटी छोटी।
दर्द भरे आंसू आंखों में नाना, बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। ओ दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। यह बनाऊंगा हूँ आप लोगों के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 104.4 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कामिनी कौशल जी की। वो दो भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटी थी और उनका लाहौर के चौबड़जी इलाके में एक घर हुआ करता था। प्रोफेसर कश्यप को व्यापक रूप से भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके पिता एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने पौधों की 6 प्रजातियों की यानी कि स्पीशीज की खोज की थी। वो केवल 7 वर्ष की थी जब 26 नवंबर 1934 को उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने बीए किया और बीए ऑनर्स लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में। उन्हें 1946 में चेतन आनंद के माध्यम से नीचे नगर फिल्म में अभिनय करने का प्रस्ताव मिला और यहीं से कुछ कुछ शुरुआत हुई थी उनकी फिल्मी अभिनय में या फिल्मों के लिए काम करने में। लेकिन इससे पहले शिक्षा और प्रारंभिक करियर में भी वो ऐसा कुछ काम कर चुकी थी। अब पेश करता हूं आप लोगों के सामने गीत आना है तो आ जाओ।
करो वादा अब याद ना आओ, या इसका करो वादा अब याद ना आओ। बात कर रहे थे हम लोग कामिनी कौशल जी की। अगर उनकी शिक्षा और प्रारंभिक करियर की बात करें तो कामिनी जी ने लाहौर के डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी, स्नातक की पढ़ाई की थी। उन्होंने शैक्षणिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त की और अपनी पढ़ाई के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनके अभिनय का सफर लाहौर में नाटकों से शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपने अभिनय कौशल को और भी निखारा था। पेश करता हूं बड़ा फेवरेट सॉन्ग है आप लोगों के लिए, ज़ोरा भाई अमलेवाली की आवाज में, अखियां मिला के। बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो पर, रेनबो रिवाइंड में। हम लोग बात कर रहे थे आज कामिनी कौशल जी की। अपनी किशोरावस्था के बारे में बात करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पास मौज मस्ती करने का समय नहीं था, मुझे किसी से प्यार नहीं था, मैं तैराकी, घोड़सवारी, स्केटिंग और आकाशवाणी पर रेडियो नाटक करने में व्यस्त थी, जिसके लिए मुझे 10 रुपये मिलते थे। जब उनकी बड़ी बहन की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो वे दो बेटियों को पीछे छोड़ गई। इसके बाद क्या हुआ बताता हूँ आप लोगों को इस गीत के बाद। और ये गीत है मुकेश और शमशाद बेगम की आवाज़ में, आग मूवी से, जो राज कपूर की पहली डायरेक्टेड मूवी थी, यानी कि जिससे उन्होंने डायरेक्शन में पदार्पण किया था। रात को जी
जी है रात को जी चमके तारे पहलू मैं दिल मेरा पाऊं पसारे जी मैं का करूँ राम रात को जी हाय रात को जी बोले पपी हरा देख पलम मोरा डोले दियारा देख पलम मोरा डोले दियारा जी मैं मर गई रामा रात को जी है रात को जी बोले पपी हरा भेद खोले तेरा मेरा मेरा तेरा हो भेद खोले तेरा मेरा तेरा जी मैं का करूँ राम रात को जी है रात को जी चमके चंदा जैसे पलम तेरे प्यार का फंदा जी मैं मर गई रामा रात को जी है रात को जी चमके चंदा तेरे बिन पाए नहीं चैन ये बंदा जी मैं का करूँ रामा रात को जी है रात को जी उड़ते बादल देख पलम मोरा छोड़ दे अंजलि जी मैं मर गई रामा रात को जी है रात को जी उड़ते बादल साथ हमारे गोरी दूर चली चल जी मैं का करूँ रामा बात कर रहे थे हम कामिनी कौशल जी की। कामिनी कौशल जी को अपनी बहन की मृत्यु के बाद 1948 में अपने बहनोई बी एस सूद से शादी करनी पड़ी। उन्होंने बॉम्बे में घर बसाया यानी कि मुंबई में, जहां उनके पति बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में मुख्य अभियंता थे यानी कि इंजीनियर थे। उनकी बड़ी बहन की बेटियाँ कुमकुम सोमानी और कविता साहनी हैं। कुमकुम सोमानी ने गांधी के दर्शन पर बच्चों के लिए किताब लिखी है और कविता सोहानी एक कलाकार हैं। 1955 के बाद कामिनी के तीन बेटे हुए, राहुल, विदुर और श्रवण। 1950 के दशक में ये जोड़ा मझगांव में एक विशाल मनोर प्रकार के घर गेट साइड में रहता था, जिसे बीपीटी के द्वारा उनके पति को आवंटित किया गया था या दिया गया था। पेश करता हूँ आप लोगों के सामने एक और गीत मुकेश जी की आवाज में, जिंदा हूँ इस तरह। जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं, जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। हुई है किसी से जुदा हुए, वो मुद्दतें हुई है किसी से जुदा हुए, लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं,
जिंदा हूँ इस तरह के गमे। आने को आ चुका था किनारा भी सामने, आने को आ चुका था किनारा भी सामने, खुद उसके पास ही मेरी नहीं आ गई नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, ये चांद ये हवा ये फजा सब है मांद मां, ये चांद ये हवा ये फजा सब है मांद मां, जब तू नहीं तो इनमें कोई दिलकशी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, जिंदगी नहीं जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, जिंदगी नहीं। कामिनी जी 1942 से 1945 तक अपने कॉलेज के दिनों में दिल्ली में स्टेज एक्ट्रेस थी। उन्होंने विभाजन से पहले 1937 से 1940 तक लाहौर में उमा नाम से रेडियो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। बचपन में वो अभिनेत्री बनने की इच्छा के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बहुत ही बौद्धिक परिवार से आती हूँ, मेरे पिता एस आर कश्यप लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर और विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने वनस्पति विज्ञान पर लगभग 50 किताबें लिखी थी। बड़े होने पर हमारे परिवार ने ज्ञान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उन्होंने हमें कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोका जब तक कि वो सकारात्मक हो, यानी कि पॉजिटिव हो। हालांकि कॉलेज में रहते हुए उनका फिल्म उद्योग में शामिल होने का कोई सपना नहीं था, लेकिन वो अभिनेता अशोक कुमार की प्रशंसक थी। पेश करता हूँ अब कुछ और गीत आप लोगों के सामने, काहे कोयल शोर मचाए शमशाद बेगम की आवाज में। Thank you.
से आप लोगों के बीच बना हुआ हूँ मैं आपका हमराज आरजे अपना 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर बात कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों से कामिनी कौशल जी की और कुछ और बातें आप लोगों को बताता हूँ अब उनके बारे में। चेतन आनंद जी ने उन्हें अपनी फिल्म नीचा नगर में मुख्य नायिका की भूमिका दी थी, लेकिन इससे पहले किस तरह से वो वहां तक पहुंची थी या क्या क्या चल रहा था इसके बारे में भी उन्होंने एक बार बताया था। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे कॉलेज में युद्ध राहत कोष के लिए प्रदर्शन करना था, यानी कोई शो करना था। अशोक कुमार और लीला चिटनिस मुख्य अतिथि थे। शो के बाद हम उनसे मिलने गए। मैंने कुछ मौज मस्ती करने के बारे में सोचा और जब वे छात्रों से बात कर रहे थे तो मैंने पीछे से उनके बाल खींच दिए और वो अपने जमाने में अच्छी खासी शैतान भी थी। पेश करता हूं देखो चांद की ओर। कहीं का दीपक कहीं की बाती, कहीं का दीपक कहीं की बाती, आज बने हैं जीवन साथी। देखता है चांद मुसाफिर देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, मुसाफिर देख चांद की ओर, देख चांद की ओर। देख घटा घनघोर, देख घटा घनघोर, मुसाफिर देख घटा घनघोर, देख घटा घनघोर। चांद के मुख पर घूंघट डाल खेल रही जो खेल, खेल रही जो खेल, छिपा लिया आंचल में मुखड़ा, देख घटा का खेल, देख घटा का खेल। खेल खेल में देख मुसाफिर बंधी प्रीत की डोर, देख चांद की ओर, देख चांद की ओर, मुसाफिर देख चांद की ओर, देख चांद की ओर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल और एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। और बात कर रहे थे हम लोग आज रेनबो वैन में
कुछ और भी गानों की, कुछ और भी गीतों की। आप लोग चाहें तो मुझसे अपने कुछ गीतों की फरमाइश आप कर सकते हैं और मेरा नंबर है 0222281 5787 और 89। नंबर एक बार फिर से दोहराता हूँ, 0222281 5787 और 89। और व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। आप यहाँ पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। और एक आज हमारे बड़े से प्यारे से और छोटे से लिसनर द्रोणा का बर्थडे भी है, तो अपनी तरफ से हम लोग उनके लिए गीत भी भेजते हैं और उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे द्रोणा एंड बी ऑलवेज ब्लेस्ड। फिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में है तो तेरा प्यार। जाने प्यार में कब मैं जुबान से फिर जाऊं, मैं बन के आंसू खुद अपनी नजर से गिर जाऊं, तेरी कसम है मेरा कोई ऐतबार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। पे नहीं एक आह तक ताहूं, मैं रोज एक नए गम की राह तक ताहूं, किसी खुशी का मेरे दिल को इंतजार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। गरीब कैसे मोहब्बत करें अमीरों से, बिछड़ गए हैं कई रांझे अपनी हीरों से, किसी को अपने मुकद्दर पे इख्तियार नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। खिजा के फूल पे
आती, कभी बहार नहीं मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारेगा ताना जमाना, तेरे होंठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई, तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई, मैंने छोड़ा जमाना तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था मैं दर्दी, वही बात हो गई। जिसका डर था मैं दर्दी, वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को तुम्हारा मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को तुम्हारा मुलाकात हो गई। बराबर हूँ मैं आप लोगों के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर। बात कर रहे थे हम लोग नादर दैन कामनी कौशल जी की। कुछ और बातें अब आपको उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता ही कि वो अभिनेता अशोक कुमार की प्रशंसक थी और एक बार उन्होंने उनके बाल खींच दिए थे। फिल्मी करियर की अगर शुरुआत की बातें करूं तो कामनी कौशल का फिल्मी करियर 1946 में फिल्म नीचा नगर से शुरू हुआ। चेतन आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड पिक्स अब पाम डियोर पुरस्कार जीता था। इस सफलता ने कामनी को फिल्म उद्योग में पहचान दिलाई और उनके करियर को एक नई दिशा दी। उनकी मासूमियत और स्वाभाविक अभिनय शैली ने उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। पेश करता हूं अब ए वतन, और ये है शहीद मूवी का एक गीत। प्रकाश शिंदे ने मुझसे इस गीत की फरमाइश की थी। जलते भी गए, कहते भी गए आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन से कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम,
तेरी जान फूटी जो कहर की नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम तेरी धरती पे है जो कदम गैर का उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम जो भी दीवार आएगी अब सामने ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे ऐ वतन हम को तेरी कसम तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे बात कर रहे थे हम लोग कमनी कौशल जी की। ये गीत था शहीद मूवी से जिसमें थे मनोज कुमार जी प्रेम चोपड़ा जी और उनके अलावा कमनी कौशल और भी कई सारे कलाकार। चेतन आनंद ने अपने अपनी पहली फिल्म नीचा नगर में मुख्य भूमिका की भूमिका दी थी मुख्य नायिका की भूमिका उन्हें मिल चुकी थी। ये फिल्म उन्होंने शादी से पहले की थी और 1946 में रिलीज हुई थी। जब उनसे पूछा गया कि उनका नाम उमा से बदलकर कामनी क्यों रखा गया तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया चेतन की पत्नी उमा आनंद भी फिल्म का हिस्सा थी मेरा नाम भी उमा था इसलिए वे मेरे लिए एक अलग नाम चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे क से शुरू होने वाला नाम दें जो मेरी बेटियों कुमकुम और कविता के नाम से मेल खाए और बस उसके बाद तो शुरुआत हो ही गई। मुझसे सुभाषा जी ने एक गीत की फरमाइश की थी और वो गीत है मेरे दिल की धड़कन क्या बोले लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में। मेरे दिल की धड़कन क्या बोले क्या बोले मेरे दिल की धड़कन क्या बोले क्या बोले मैं जानू और तू जाने मैं जानू और तू जाने मेरा प्यार भरा मन क्यों डोले क्यों डोले मेरा प्यार भरा मन क्यों डोले क्यों डोले मैं जानू और तू जाने मैं जानू और तू जाने परी निगाहों को सपनों का पागल खुमार हमें किसने दिए ये नजराने कौन जाने मैं जानू और तू जाने मैं जानू और तू जाने मेरे दिल की धड़कन क्या बोले क्या बोले मैं जानू और तू जाने मैं जानू और तू जाने तुमसे मोहब्बत है कैसी मजेदार भूल मैं तुमसे लगी क्यों शर्माने कौन जाने मैं जानू और तू जाने मैं जानू और तू जाने मेरे दिल की धड़कन क्या बोले क्या बोले मैं जानू और तू जाने मैं जानू और तू जाने मेरा प्यार भरा मन क्यों डोले क्यों डोले मेरा प्यार भरा मन क्यों डोले क्यों डोले मैं जानू और तू जाने मैं जानू और तू जाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। पेश करता हूं अब आप लोगों के सामने पूरब और पश्चिम का एक गीत क्योंकि
कामिनी कौशल जी ने मनोज कुमार जी के साथ तकरीबन 8 फिल्में की थी, जिसमें से थी उपकार, शहीद, पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी, दस नंबरी और संतोष। पेश करता हूं कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे, दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया, नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया, जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, आप लोगों के बीच इसी म्यूजिकल योर दिल से दिल तक बनो 7.1 मेगाहर्ट्ज आफक का आकाशवाणी एफएम रेनबो पर रेनबो रिवाइंड में। बात कर रहे थे हम लोग नदर देन कामिनी कौशल जी की और शुरुआत हो चुकी है अब अगले घंटे की। 12:01 हो रहा है, बने रहिए मेरे साथ। अपनी पहली फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि उन्हें अपनी पहली फिल्म कैसे मिली। रविशंकर नाय थे, उन्होंने किसी के लिए संगीत नहीं बनाया था। ये जोहरा सैगल की पहली फिल्म थी। उमा आनंद यानी कि चेतन की पत्नी हमारे साथ कॉलेज में थी, हम साथ थे। चेतन दून स्कूल में पढ़ाते थे और मेरे भाई के जरिए वो मेरे पास आए और बस इस तरह से उनको मूवी मिल गई थी। पेश करता हूं चल सन्यासी मंदिर में। चल सन्यासी मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में,
चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ सजाएंगे, साथ साथ फनकाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, लेकर माला कंठ गोशाला राम नाम गुण गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ फनकाएंगे। चल सन्यासी जादू टोना सारी मन की ये माया है, अरे तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। अरे चल सन्यासी मंदिर में, तेरा कमंडल मेरी गगरिया साथ साथ छलकाएंगे, साथ साथ छलकाएंगे। क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, हम तो जोगी राम के रोगी धूमी अलग रमाएंगे। चल सन्यासी मंदिरों में, जलाना मुझे नहीं आता है, बस पूजा की ज्योत जगाना मुझे यही भाता है। हो चल सन्यासी मंदिर में, मेरा रूप और तेरी जवानी मिलकर ज्योत जलाएंगे, मिलकर ज्योत जलाएंगे। क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, धर्म छोड़कर ध्यान छोड़कर पाप नहीं अपनाएंगे। अरे चल सन्यासी मंदिर में। कर देगी अब तू पागल, मेरा धीरज डोल रहा है लाज रखे गंगा जल। चल सन्यासी मंदिर में, तेरी माला मेरा
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं बीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते, इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते, की घूंट से मिलता जन्नत सारा, पानी रे पानी तेरा रंग, गंगा जल तू पावन, बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरस सावन, कहीं पर देखो छत टपकती जीना हुआ हराम, पानी रे पानी मेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा, पानी रे पानी ओ पानी पानी रे पानी, वैसे तो हर रंग में तेरा जलवा रंग जमाए, जब तू फिरे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए, खिले खिले तो छट आ जाए पतझड़ का पैगाम, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, सौ साल जीने की उम्मीदों जैसा, पानी
आप लोगों के बीच में दोबारा से बना हुआ हूँ मैं आपका हमरा जारजे। अपने 12:14 हो रहे हैं, बात करते हैं हम लोग कामिनी कौशल जी की। कामिनी कौशल ने 1940 और 1950 के दशक में कई प्रमुख फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में शहीद, बरसात, नदिया के पार, बाबुल, अरमान और परख शामिल हैं। उन्होंने दिलीप कुमार, अशोक कुमार और देवानंद जैसे प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम किया और उनके साथ की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। पेश करता हूँ मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा।
आप लोगों के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर या म्यूजिकल योर्स दिल से दिल तक। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो कामनी कौशल का विवाह बीएसआई से हुआ जो भारतीय रेलवे में इंजीनियर थे। शादी के बाद कामनी ने अपने करियर को संतुलित करते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाया। उनके दो बेटे और एक बेटी हैं। पेश करता हूं एक और गीत, कसमें वादे प्यार वफा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तुझको आग लगाएगा। आसमान में आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुबह
सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बन कर तेरा ही दिल तो लेंगे। देते हैं देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स यानी कि एफएम रेनबो पर। बात कर रहे थे हम लोग कामिनी कौशल जी की। 1960 और 1970 के दशक में कामिनी कौशल जी ने चरित्र भूमिकाएं निभाना शुरू किया और वहां भी अपना एक अलग स्थान बनाया। उन्होंने कई यादगार सहायक भूमिकाएं निभाई जिसमें उन्होंने अपने अनुभव और अभिनय की गहराई को प्रदर्शित किया। उनकी कुछ प्रमुख चरित्र भूमिकाओं में उपकार, जिसका भी आपने गाना सुना था, शोले और चमन बहार शामिल है। पेश करता हूं आप लोगों के सामने एक और गीत। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, ये पीने वाले क्या जाने मेहमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। मालिक ने बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा, मालिक ने बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा, वो ऊपर बैठा
क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं। तो बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं। Thank you.
सहरा में आके भी मुझको ठिकाना न मिला। गम को भुलाने का कोई बहाना न मिला। दिल तरसे जिसमें प्यार को, क्या समझूं उस संसार को। एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो। ए पर्वत रास्ता दे मुझे, ए कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।